नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारणी का मान निकालना, उपसारणी और सेकंड के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान कैसे निकालना है, इन सब की बातें की थी। और एक बात ये की थी कि सारणी का मान उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो, ताकि मान आसानी से निकल सके। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। इनमें देखो, एक पहला सवाल है, k का मान ज्ञात करना है और सारणी दे रखी है k2 4 और -3। ये भी दे रखा है कि इस सारणी का मान शून्य है। अब देखो, थोड़ा समझना। देखिए, पहले का आंसर है k2 4 और -3। ये कह रहा सवाल वाला कि इसका मान कितना है, शून्य है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को k का मान ज्ञात करना है। और 2×2 की सारणी के उसका मान हम लोगों ने निकाला सीखा था, तो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कराओ या माइनस का 3k, इन दोनों का गुणा कराओ, ये 4×2 यहाँ क्या आएगा, माइनस। सूत्र होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा बराबर कितना, 0। यहाँ से सरल करते हैं तो माइनस का 3k बराबर क्या आया, प्लस का 8। यहाँ से k का मान आया माइनस का 8/3। ये कोई एक पहला सवाल है जिसमें k का मान ज्ञात करना था और इस सारणी का मान शून्य दे रखा है। एक दूसरा सवाल है, यदि x y 2 4 इस सारणी का मान शून्य है तो आपको x/y ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा समझना। देखिए, दूसरे का उत्तर लिख रहा हूं मैं, इसका मान शून्य दे रखा है और x/y का अनुपात ज्ञात करना है। तो वही बात है कि इसको सरल करते हैं, और सरल करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 4x माइनस का 2y बराबर 0। इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, 4x बराबर कितना आया, 2y। आपको x/y चाहिए, यानी x/y का अनुपात चाहिए। अनुपात का मतलब होता है क्या, x/y का मान आपको ज्ञात करना कितना आता है, वही अनुपात होगा। तो देखो, x/y बराबर आया 2/4, यहां से x/y कितना आया, 1/2। तो x/y कितना आएगा, 1/2, ये आपका उत्तर आएगा। ये कोई एक सवाल संख्या दूसरा हुआ है। एक तीसरा सवाल है, दो सारणी के दे रखी है, एक का मान 4 है, एक का मान 7 है, और कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा समझना। देखें, पहली सारणी दे रखी है 2 3 y x बराबर 4 दे रखा है, और दूसरी सारणी है x y 4 2 बराबर दे रखा है 7। और इन दोनों सारणियों को हल करके और x/y का मान ज्ञात करना है। 2×2 की सारणी के हल करने का तरीका अभी सीखा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, यह आएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। इसकी बात करें तो यहाँ आएगा 2x माइनस 4y बराबर कितना आया, 7। एक समीकरण ये आ गया और एक समीकरण ये आ गया। अब हम लोगों को इन दोनों समीकरणों को हल करके और x/y का मान निकालना है, और दो समीकरणों को हल करना है। तो 10वीं क्लास में हम लोग विधियां पढ़ते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, कोई सी भी एक विधि लगा लेना और x/y का मान निकालना। जैसे एक काम करूं मैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाऊं तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y का मान आएगा। जो y का मान आया उसको समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देना, x का मान आ जाएगा। ये आगे आपको सरल करना है। ये कोई एक तीसरे सवाल की बात हुई है। एक चौथा सवाल है, चौथे सवाल में आप लोगों को ये कह रहा है कि x-1 x-2 x-3 बराबर 0 है। ऐसी स्थिति में आपको x का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इस समीकरण में x का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सारणी है, इस सारणी को हम लोग हल करेंगे
इस सारणी को हल करने का वही तरीका है कि इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो गुणा करो देखें, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस तीन बराबर एक्स, सॉरी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस तीन माइनस एक्स, एक्स माइनस टू बराबर जीरो। सूत्र होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा। इसको सरल करते हैं तो x का गुणा कराओ, ये आया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x और प्लस 3, फिर इनका गुणा ये आया माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x बराबर कितना आया जीरो। वापस देखिए, इनका गुणा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। आप देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या माइनस का 4x और प्लस का 2x प्लस 3 बराबर जीरो, या माइनस का 2x बराबर माइनस 3, यहां से x का मान कितना आया 3 बटा 2। ये कोई एक सवाल सही क्या चौथा है, बहुत ही आसान सवाल है, इनमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक सवाल सही क्या पांचवा है कि निम्न सारणिकों के प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सेकंड लिखना है और फिर उस सारणी का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, सबको समझना। पांचवे का पहला मैं बता रहा हूं, पांचवे का दूसरा आपको करना है। ये पांचवे का पहला है, एक कोई सारणिक है एक माइनस तीन दो चार माइनस एक दो तीन पांच दो, ये कोई एक सारणी दे रखी है। अब हम लोगों को एक तो काम करना है कि प्रथम स्तंभ के जो भी अवयव है इन सब के एक तो सारणी निकालने हैं और एक हम लोगों को सेकंड निकालना है। अब देखो उपसारणी निकालने का तरीका क्या बताया कि आप तो देखो जिस अवयव का उपसारणी निकालना है वो अवयव कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, आप उस पंक्ति और उस स्तंभ को हटा दो, पीछे जो सारणिक बचता है वो उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। और उसी उपसारणिक का अगर चिन्ह का निर्धारण कर दिया जाए माइनस वन की पावर आई प्लस जे से, तो वही उपसारणिक से खंड में बदल जाता है। तो एक तो हम लोगों को प्रथम स्तंभ के जो जो अवयव है उन सबके उपसारणिक निकालने हैं, बहुत ही आसान है, सब लोग समझना। देखें सबसे पहले प्रथम स्तंभ में अवयव एक है, इस ए को क्या बोलेंगे, ए वन वन, यहां लिख देता हूं एक का उपसारणिक, और एक का उपसारणिक इसका संकेत क्या होगा, कैपिटल ए वन वन, क्योंकि इस अवयव को बोलते हैं स्मॉल ए वन वन। उपसारणिक देखो ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ है, आप देखो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ है, तो पीछे चार अवयव बचेंगे माइनस एक दो पांच दो, ये लो साहब माइनस एक दो पांच दो, ये तो इस अवयव का उपसारणिक आ गया। फिर प्रथम स्तंभ का और कोई अवयव, और अवयव देखो चार है, ये लो चार का उपसारणिक। अब ये जो अवयव है इस अवयव का नाम क्या होगा, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ है यानी ए टू वन है, ये इसका उपसारणिक आएगा ए टू वन। अब आप तो एक दूसरी पंक्ति हटाओ और एक पहला स्तंभ हटाओ, दूसरी पंक्ति की बीच वाली पंक्ति हट जाएगी और ये पहला स्तंभ हट जाएगा, पीछे रहेगा माइनस तीन दो पांच दो, माइनस तीन दो पांच दो। फिर एक अवयव पहले स्तंभ, केवल पहले स्तंभ के अवयव की बात करनी है, इतना ही कहा है, तो पहला स्तंभ का अगला अवयव क्या है तीन, ये लो साहब तीन का उपसारणिक। तीन के उपसारणिक की बात करेंगे तो इस अवयव का नाम क्या है, कैसा ये तीसरी पंक्ति में पहले स्तंभ है यानी ए थ्री वन, तो तीसरी पंक्ति हटाओ और पहला स्तंभ हटाओ, पीछे क्या रहेगा माइनस तीन दो माइनस एक और दो, ये लो साथ माइनस तीन दो माइनस एक दो। ये तो हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी अवयव है हमें पूछा है इनके उपसारणिक क्या है, ये कर लिए ऐसी देखो। अब आपको कहेगा कि सेकंड निकालना है, तो एक का सेकंड है तो उसका संकेत क्या होगा,
F11, ये F11, चार का सेकंड है उसका संकेत क्या होगा F21, और तीन का सेकंड है उसका संकेत क्या होगा F31। करना क्या है कि जो सारणिक आया है उनका चिन्ह तय करना है। चिन्ह अभी तय करेंगे, सब लोग सुनना देंगे। आप तो एक बार वापस उस सारणी लिख दो, -1 2 5 2, -3 2 5 2, -3 2 -1 2, ये लो सर। अब देखो इनका चिन्ह तय करते हैं, और चिन्ह तय करने का तरीका होता है -1 की पावर i+j। बात हुई अपनी कि अगर योग सम आए तो चिन्ह प्लस का होगा, और योग भी सम आए तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का। आप तो 3×3 की जब भी कोई सारणी को उनके चिन्ह सीधे याद रखा करो, जैसे ये होता है ना A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक तरीका ये होता है कि इनका चिन्ह तय करना है तो -1 की पावर i+j से इस सूत्र से तय करते हैं, ठीक है। एक आप 3×3 को सीधा भी याद कर सकते हो, कैसे, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में चिन्ह होते हैं। प्लस से शुरू करना क्योंकि -1 की पावर i+j है, एक तरीका है यहां से निकाल देना, ये चिन्ह आएंगे। सीधा भी याद रख सकते हो एकांतर क्रम में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किधर से चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्रम चलने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से मत चलना बस, ठीक है। तो ये इनके चिन्ह तय करने का तरीका होता है। तो हमें केवल प्रथम स्तंभ के अवयवों की बात करनी है, तो प्रथम स्तंभ के अवयवों के चिन्ह तय करने हैं। इसका चिन्ह होगा प्लस, इसका होगा माइनस, और इसका होगा प्लस। एक बात और याद रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर चार का चिन्ह तो प्लस का है ना। हाँ, सवाल में दिया कि चार का चिन्ह प्लस का है, हमें इस सूत्र से चिन्ह तय करना है, और इस सूत्र से चिन्ह क्या होगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, यू नहीं कि इसका चिन्ह तो प्लस का है, वो तो सवाल में दे रखा है, अपने को इस सूत्र से चिन्ह तय करना है। ये तो इस अवयव का मान है चार या माइनस चार जो भी है, ये जो माइनस है ये सूत्र से आता है। तो देखो एक की बात करेंगे इसका चिन्ह तो प्लस है, चार की बात करें इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तीन की बात करें इसका चिन्ह क्या है प्लस का। और वैसे भी तो अपनी बात हुई है कि जिन अवयवों के चिन्ह प्लस होते हैं उनके लिए उपसारणिक और सेकंड सेम टू सेम होता है, और माइनस और माइनस का फर्क पड़ता है। ये इस प्रकार से चिन्ह तय करने का तरीका होता है। अब देखो इसको थोड़ा सरल करें, आपको कहा है उपसारणिक का मान निकालना है तो आप सरल कर सकते हो। सरल करने का तरीका क्या, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो इनका गुणा कराओ कितना आएगा -2, माइनस इनका गुणा कितना आएगा 10, इनका आया -12। इसकी बात करें इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये कितना आया -6, और -10 कितना आया -16। इसकी बात करें ये आया -6 और +2, कितना आया -4। ये इस प्रकार से उपसारणिकों के मान आ गए। इसका मान निकालोगे, इसका मान -12 आएगा, इसका मान 16 आएगा, और इसका मान -4 आएगा। अब देखो इसके आगे बात करते हैं। अरे आप चाहो ना कि सेकंड निकालना है, उपसारणी दोनों निकाल लिए तो उपसारणी निकाल ली, सेकंड के लिए भले ये सारणी लिखने जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो कि 1 का उपसारणी -12, यहाँ पर भी सीधे F11 = -12, ये लिखने जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कर लिया हम लोगों का। A12 का यहाँ -16, F21 इसका मान कितना होगा +16 कैसा आया के साथ चिन्ह चेंज होता है, तो ये लिखने जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते 16, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होता, दोनों क्या आगे -4। अब देखो इसके आगे बात करते हैं, हम लोगों को एक तो उपसारणी निकालना है, सेकंड निकालना है, और साथ ही साथ उस सारणी का मान भी निकालना है। उपसारणी निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, अब देखो सारणी का मान निकालना उसके क्या तरीके हैं सब लोग सुनना। एक तरीका होता है
कि सारणी का मान निकालना है, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था कि आप प्रसार कर दो कोई सी भी पंक्ति या कोई से भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, सारणी का मान आ जाएगा। एक तरीका वो है, अगर आप लोगों ने पहले से उपसारणिक और सेकंड निकाल रखे हैं तो भले ही प्रसार नहीं करने के बजाय हम सूत्र का उपयोग लेके सारणी का मान निकाल सकते हैं। बात याद ये है कि सारणी का मान निकालना सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, तो उसका तरीका बताता हूँ। ये लो सर, सारणी का मान, सारणी का मान। अब देखो कौन से सूत्र का उपयोग करना है, तो ऐसा है ना कि छह सूत्र होते हैं, तीन तो पंक्तियों के सारे, तीन स्तंभों के सारे, फिर प्रत्येक में दो भाग वापस उपसारणिक और सेकंड के सारे। कैसे निकालना सब लोग सुनना, हम लोगों ने सवाल में कौन सी पंक्ति या कौन सी स्तंभ के सेकंड निकाले हैं, तो ध्यान में आया कि हमने पहले स्तंभ के सेकंड निकाले हैं, हम पहले स्तंभ का सूत्र उपयोग लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहला काम ये करना है कि पहले स्तंभ के जो अवयव है उनको लिखना। पहले स्तंभ का जैसे ये अवयव है, इस अवयव को नाम देंगे ए वन वन, फिर ये अवयव है इसका नाम होगा ए टू वन, फिर ये अवयव है इसका नाम होगा ए थ्री वन, ये नाम दे दिए। अभी मैं सेकंड की सहायता से सारणी का मान निकाल रहा हूं, फिर हम बाद में सीखेंगे कि उप सारणी की सहायता से सारणी का मान निकाल रहा हूं। बात हुई अपनी कि यहां अवयव पहले स्तंभ के हैं, तो इनके जो संगत सेकंड है वो भी पहले स्तंभ के आएंगे, यहां सेकंड आएगा एफ वन वन, ये सेम होना चाहिए, फिर यहां क्या आएगा एफ टू वन, यहां क्या आएगा एफ थ्री वन। उसके आगे बात करते हैं, बात आती चिन्ह की, तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर आप लोग सेकंडों का उपयोग लेके सारणी का मान लगाते हो निकालते हो, ऐसी स्थिति में सबका चिन्ह क्या आता है, प्लस आता है। और मान लो इसकी जगह मैं उप सारणी का उपयोग करके और फिर मान निकालता तो उसका सूत्र क्या बनता वो भी बता देता हूं। अगर मैं उप सारणी का उपयोग करता तो उसका सूत्र यूं बनता ए का सारणी बराबर, वही बात है कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ के हम लोगों ने उप सारणी निकाले, तो हम लोगों ने पहले स्तंभ के निकाले, पहले स्तंभ के अवयव लिखो ए वन वन, ए वन टू सॉरी ए टू वन और ए थ्री वन, फिर इसके संगत क्या आएंगे उपसारणी, तो ए वन वन के संगत उपसारणी क्या आएगा ए वन वन, कैपिटल ए टू वन और कैपिटल ए थ्री वन। लेकिन यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना होता है, सेकंड का उपयोग करेंगे जब तब तो सूत्र में सब जगह क्या आएगा प्लस, उपसारणी का जब उपयोग करेंगे तो जो अवयव का चिन्ह होता है वही यहाँ आएगा, जैसे ए वन वन का चिन्ह क्या होता है प्लस, ए टू वन का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ए थ्री वन का चिन्ह क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ऐसा नहीं करना कि ए टू वन है, ए टू वन का मान तो प्लस का चार है, इसका चिन्ह तो प्लस का है, नहीं ये तो अवयव का मान है, इस अवयव का चिन्ह क्या होता है वो माइनस वन की पावर आई प्लस जे से होता है। ठीक है, ये सूत्र बना, मान दोनों से सेम आएगा, मान रखता हूं सब दोस्तों मान, सबसे पहले ए वन वन यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मान रखना, सबसे पहले क्या है यहां पर एक, फिर इसके संगत हम लोगों को सेकंड का मान लिखना है। अब सेकंड का मान कैसे लिखेंगे, सेकंड का मान हम लोगों ने निकाल रखा है कैसा, एफ वन वन का मान कितना है माइनस का बारह, ये रख दिया साहब माइनस बारह, प्लस ए टू वन, ए टू वन का मान कितना है चार, एफ टू वन, एफ टू वन का मान कितना है सोलह, प्लस ए थ्री वन, ए थ्री वन का मान कितना है तीन, ये तो अवयव का मान है, और इसके संगत सेकंड एफ थ्री वन वो कितना है माइनस का चार। ये इस प्रकार से इन सब के हम लोगों ने मान लिख दिया था। अब हम लोगों को इसको सरल करना है, अब इसको सरल करने का तरीका क्या रहने वाला है वो थोड़ा समझना देखें, ये कितना आएगा माइनस का बारह प्लस, ये कितना आएगा चौसठ और ये माइनस का बारह, तो बारह बारह चौबीस और चौसठ में से चौबीस गया पीछे कितना रहेगा चालीस,
ये इस सारणी का मान है। अगर मान लो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके मान निकालते हैं तो देखते सा कितना मान था। सबसे पहले A11 का मान कितना है, एक इसके संगत है उपसारणी कैपिटल A11 का मान कितना है -12। माइनस A21 का मान कितना है 4। अब ये तो माइनस सूत्र का है, A21 इसका मान कितना है -16। प्लस A31 का मान कितना है 3। और कैपिटल A31 का मान कितना है -4। सरल करते हैं साहब, -12 + 64 - 12 कितना आया 40, ये इसका मान है। तो आप चाहो तो सेकंड का उपयोग कर लो, चाहो तो सारणी का, दोनों में से कोई एक कर लेना। और दोनों ही नहीं करना चाहते हो तो सीधे सारणी का प्रसार कर लो। लेकिन अगर परीक्षा में लिख दे रहे कि प्रथम स्तंभ के सेकंडों का उपयोग करते हुए सारणी का मान निकालो तो आपको ये काम करना है। प्रथम स्तंभ के उप सारणी का उपयोग करते हुए सारणी का मान निकालना है तो आपको ये काम करना है। एक बात और बता देता हूँ इसी में, इनमें से कोई एक कर लेना, एक ही बात है। एक बात और ये है कैसा, अगर आपको ये पूछ ले कि ये कोई एक अवयव है -1, इस अवयव के लिए उपसारणी का मान बताओ और सेकंड का मान बताओ, मैं अलग से लिख देता हूं। अगर ये पूछ ले कि -1 का उपसारणी, अब -1 का उपसारणी देखो ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो क्या आएगा, यहां लिख देता हूं A22 बराबर 1 2 3 2, ये आएगा। ये -1 का उपसारणी आया, कुछ नहीं करना, पंक्ति हटानी स्तंभ हटाना। अब मैं पूछ लू कि -1 का सेकंड कितना, तो -1 का सेकंड क्या आएगा F22। इसमें क्या करना कि जैसे ही उपसारणी का चिन्ह तय कर देते हैं तो वही उपसारणी किसमें आ जाती है सेकंड में। अब -1 का चिन्ह क्या है, तो यू नहीं कि -1 का चिन्ह माइनस है देखो, इसलिए माइनस है नहीं। इस नियम के अनुसार चलो कि अवयव कौन सा है A22, और A22 का चिन्ह क्या होता है प्लस का होता है, क्या चिन्ह होता है प्लस का, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। ये ध्यान रखना, ये तो अवयव का मान है -1, इसका चिन्ह तो इस सूत्र से होता है और इस सूत्र में यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। यहाँ इस अवयव का मान माइनस हो प्लस हो इससे इन चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको उपसारणी और सेकंड की बात ली है, ये कोई 5वें का पहला सवाल हुआ है, 5वें का दूसरा आप लोगों को करना है। एक देखो छठे सवाल की थोड़ी बात कर लेते, छठे सवाल में आप लोगों को सारणी का मान निकालना है और सीधे सारणी का मान निकालना है तो क्या करना है, ये लो सर 3 -11 1 5 0 0 -10 3 0। हम लोगों ने सीखा है कि सारणी का प्रसार उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष किया जाता है जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। एक तो देखो तीसरे स्तंभ में 0 2 है, दूसरी पंक्ति में 2 0 है, तो या तो एक काम करो आप दूसरे स्तंभ के साथ दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लो तो सारणी का मान आ जाएगा, या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो तो सारणी का मान आ जाएगा, और चाहो भले पहले पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लो सारणी का मान तो आ जाएगा, लेकिन जिनमें शून्य रहते हैं वहां आसानी से निकल जाता मान। तो यहां मैं क्या करता हूं, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लेता हूं, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। अब इनमें चिन्ह भी ध्यान रखने होते हैं, चिन्ह क्या होता है तीसरे स्तंभ देखो 3 × 3 के ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 0 वालों से कोई मतलब ही नहीं। तो देखो तीसरा स्तंभ का सबसे पहले अवयव 1 लिखा, ये कौन सी पंक्ति कौन सी स्तंभ है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ है, तो पीछे क्या रहेगा 5 0 - 10 3। फिर अगला अवयव क्या 0, ये -0, कौन सी पंक्ति और कौन सी स्तंभ है, तो आप देखो ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ है, पीछे क्या रहेगा 3 - 11 - 10 3। फिर अगला क्या 0, कौन सी पंक्ति कौन सी स्तंभ है 3 - 11 - 5 0। अब ये 0 है ना, इनको सरल करने जरूरत नहीं है, पूरे क्या हो जाएगा 0, ये 1 कितना है 5 3 15 -0 ये 0 कितना है फाइनल मान 15। इसीलिए हम लोग कहते हैं
कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम हो हमेशा उसके सापेक्ष हम लोगों को प्रसार करना होता है। एक लास्ट सवाल है, 4.1 का सातवां सवाल, इसमें आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला एलएचएस लेता हूं मैं, 1AB-A1C-B-C1, और इस सारणी का मान आपको हिलाना है 1+A² + B² + C² बस ये आपको सिद्ध करना है। अब ऐसा है कुछ नहीं करना, सारणी का मान निकालना हिलाना है। अब यहाँ जीरो वाली कोई बात नहीं, नीचे तो है ही नहीं, तो आप कोई से भी पंक्ति या कोई से भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। हम लोग सामान्य तौर पर पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, पहले दिन की चिन्ह करो तो चिन्ह यू आएंगे प्लस माइनस प्लस, 3×3 में सीधा याद रखना एकांत क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले अभी एक लिखा, पंक्ति हटाओ स्तंभ हटाओ, ये रहा AC-C1, फिर अभी आएगा A, इसका चिन्ह क्या है माइनस, पंक्ति हटाओ स्तंभ हटाओ, ये आया -AC-B1, फिर अगला आयु है B, इसका चिन्ह प्लस का है, पंक्ति हटाओ स्तंभ हटाओ, क्या आया -A1-B-C। अब इसको सरल करना है, ये 1 क्या होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1+C² माइनस A इनका गुणा माइनस इनका गुणा, प्लस B इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये क्या आएगा AC और प्लस B। सरल करते हैं सर, ये क्या आएगा 1+C² प्लस का A² माइनस ABC प्लस का ABC प्लस का B² ABC से BC कैसे 1+A² + B² + C² बराबर क्या आया RHS। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.1 से संबंधित